प्रयास कर रहे हैं। बैठे बैठे हमने प्रदेश की जनता को बैठे बैठे बोलेंगे सर, ये भी बोलेंगे, हमने प्रदेश की जनता को दिए अपने आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में LPG सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। हमने जरूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए की गई है। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा। हमारी सरकार आधारभूत संरचना के विकास, दूर दराज के क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा रोजगार आदि सुविधाओं की पहुंच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुंदा जैसे कई इलाकों क्षेत्रों के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्रीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः इस भेदभाव का निदान करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ।